दोस्तों, अब्दुल कुद्दूस भाई मेरे साथ हैं और अब्दुल कुद्दूस भाई ने और मेरे उस्ताद मोहतरम कारी इकराम साहब ने मुझे मशवरा दिया कि आपकी जो डेली रूटीन है या आप डेली बेस पे जो वर्क करते हैं, जो आपकी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स हैं, आपको उनके ऊपर भी वर्क करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि एक टाइम था मेरे पास साइकिल था, वो भी अपना नहीं था, मेरे छोटे भाई का था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह पाक हमें मोटरसाइकिल से नवाजा है। तो मैंने अपने कुद्दूस भाई को साथ दिया और हम जा रहे हैं। मैंने अब्दुल कुद्दूस भाई का अब्दुल कुद्दूस भाई से कहा, अब्दुल कुद्दूस भाई हमने जाना है, हमने आपका जो आपकी जो फसलें हैं उनका विज़िट करना है, तो हम आगे बातचीत करेंगे जब उधर पहुंचेंगे। और रास्ते में भी अब्दुल कुद्दूस भाई बाइक चला रहे हैं। अब्दुल भाई ज़रा तेज़ी से लाए ना यार। भाई तेज़ी से चला रहा हूँ, आप व्लॉग तो बनाए ना। नहीं नहीं व्लॉग भाई आप साथ हो, आपने टाइम दिया, व्लॉग तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है और कम्प्लीट भी हो जाएगा आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल कुद्दूस भाई कह रहे हैं कि मैं अभी भगाने लगा हूँ मोटरसाइकिल को, तो आपने ज़रा संभल के मोबाइल को पकड़ना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान सलीम रब नवाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। तो दोस्तों आज इत्तेफाकन हमें अपने गांव से बाहर निकल के फसलों में घूमने फिरने का मौका मिला और आज मेरे साथ मौजूद है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई अब्दुल कुद्दूस साहब। तो अब्दुल कुद्दूस भाई, शाम का ये जो मंजर है उसको आप किस नज़र से देखते हो? माशाल्लाह भाई, शाम का मंजर तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा होता है गांव में, आपको पता ही है, आलूदगी से पाक है यहाँ पे एरिया, जो यहाँ पे हम आए हैं ये डेरा है हमारा जी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई ट्रैफिक का रश नहीं है, कोई ये परिंदों की आवाज़ें सुन रहे हैं, अजान मगरब हो रही है माशाल्लाह से। तो भाई यहाँ पे तो शाम का मंजर बेशक बहुत ही प्यारा होता है भाई। गांव की जो लाइफ है उसके क्या फ़ायदे हैं भाई जान? गाँव की लाइफ के बहुत ज़्यादा ही फायदे हैं। देखिए, एक तो आपको चीज़ प्योर मिलती है खाने पीने की, मिलावट के बगैर। आप दूध पियेंगे यहाँ से, जो दूध भी लेंगे वो भी मिलावट से पाक होगा, बगैर किसी यानी कि साइड इफेक्ट के। आपको जो ये सब्जियां हैं, जो फल हैं, ये आपको ताज़ा फ्रेश एकदम मिलेंगे, ना कि आपको फ्रीज हुए हुए मिलेंगे जो कि पिछले पिछले सालों के पड़े होते हैं। तो भाई गांव के बहुत ज़्यादा फायदे भी हैं, बहुत ज़्यादा फायदे हैं। सबसे जो गाँव की मैं समझता हूँ अनमोल चीज़ है, कुदरती चीज़ है, वो ऑक्सीजन है भाई। इधर कोई आलूदगी नहीं है, सुकून है। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंजर है, सुबहान अल्लाह। क्या कहने यार, तो क्या कहोगे इस हरियाली के ऊपर? कोई शेर सुनावा मैं, तहजीब हाफिज सर का। तहजीब हाफिज सर का वो तहजीब साहब का एक शेर है कि तुझे ये सड़कें मेरे तवस्सुत से जानती हैं, तुझे ये सड़कें मेरे तवस्सुत से जानती हैं, तुझे ये इशारे हमेशा खुले मिलेंगे, और अगर कभी तेरे नाम पे जंग हो गई तो हम ऐसे बुजदल भी पहली सफ में खड़े मिलेंगे। वाह जी वाह, क्या कहने तहजीब हाफिज सर के और आपके भी। तो अब्दुल कुद्दूस भाई ये देख सकते हैं नाज़रीन कितना खूबसूरत मंजर है माशाल्लाह, बड़ा बहुत दिल को भाने वाला मंजर है यार। तो हम आपको जो जो और चीज़ें फसलों के रिलेटेड हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों एक और चीज़ हम आपको दिखाना चाहते हैं गांव की, गांव का ट्यूबवेल। आहा क्या कहने भाई, क्या कहने। अच्छा अब्दुल कुद्दूस भाई ये डेरा है माशाल्लाह, कभी इत्तेफाकन आपको रात में यहाँ आने का इत्तेफाक हो रहा डर कभी ऐसा हुआ? नहीं नहीं भाई, यानी कि रात को तो अक्सर ही आते हैं, यानी कि कभी भाई के लिए खाना लेके आ गए, कभी यानी कि पानी साफ लगवाने आ गए, लेकिन डर होता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रॉपर तरीके से यानी कि एक डर लगा हो या कोई चीज़ देखी हो, ये कभी नहीं हुआ। अलबत्ता डर से तो हम काफ़ी यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ये वैसे भी इतना लगता नहीं है जितना कि यहाँ पर ऐसा रहना आसान है ना, इतना लगता नहीं है। तो ये देखें जी, सलीम भाई अपनी बाइक स्टार्ट कर रहे हैं, भी बाइक चलाएँ भाई, अब आए भाई आए। आप चलाओगे या मैं चलाऊं? नहीं नहीं भाई आप ही चलाएंगे, आ जाए आ जाए आ जाए। तो भाई ये गंदम है, ये हमने ज़ीरो ड्रिल के ज़रिए बीजी है, ये जदीद तरीका है भाई काश्त का सलीम भाई। तो इससे एक तो आपको ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो गंदम है ना वो बड़ी बेहतरीन यानी कि एक अच्छी एवरेज देती है, और दूसरा आपको इसका ये फ़ायदा होता है कि इस पे भाई खर्चा कम है, यानी कि जो आपने पहले रूटावेटर लगाना है, हल लगाने हैं, कराह लगाना है, एक तो आप उसके खर्चे से बच जाते हैं, और दूसरा ये जो इसकी एवरेज होती है दूसरों से तकरीबन 10 से 15 मन ज़्यादा होती है,
तो हम तो तकरीबन जब से ज़ीरो ड्रिल आई है 6-7 साल हो गए तो हम ज़ीरो ड्रिल ही कर रहे हैं। छठे का रवाज जो है थोड़ा कम किया हुआ है अभी, इसी वजह से कि एवरेज जो ये ज़ीरो ड्रिल है ना वो अच्छी देती है। अब्दुल कुद्दूस भाई सिर्फ एक मिनट, आपने मोटरसाइकिल को बंद करना है और हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं, हमारे जो शहरी भाई हैं जो देहात से दूर हैं, मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि भाई साड़ी पंजाबी जबान जो कहते हैं कि साग, साग का सीजन भी आ गया है, देख सकते तुम बरसीन है, ये बरसीन उनका जरा चारा यानी कि असि डंगर डाल देने लोग तो वो हूँ सरयों, साड़ी पंजाबी जबान कहने तो उर्दू सरसों कहते हैं सरसों का साग, तो भाई वो सरसों का साग भी साढ़े पिंड साढ़े इलाके बल्कि साढ़े पाकिस्तान च चल पाया, लोग बड़े जौक शौक ने खाते हैं और जो साढ़े पाकिस्तानी भाई बाहर रेंगे ने उन्होंने असं दिखा सकते खवा नहीं सकते। क्यों खिला क्यों नहीं सकते भाई, जो यानी कि जो इतने आन या कोई यानी कि उन्होंने कोई कोरियर वगैरह अगर भेजना चाहो तो जरूर क्यों नहीं साग लै जाओ जिन्ना मर्जी लै जाओ। नहीं भाई जान फिलहाल असं अपने चैनल वालों यादा भेज रहे हैं बिल्कुल बेशक जी, जो बैरूने मुल्क पाकिस्तानी साढ़े ओवरसीज साड़ी जाना ने बिल्कुल जी उन्होंने वास्ते स्पैशल वीडियो भेज रहे हैं खुशन भाई कामरान वास्ते जी, जी तुम दिखाना चाहना है जी शाम का मंजर है, दूसरा फसलों का मंजर है और तीसरा पुरसकून तो एक साफ सुथरा साफ शफाफ माशाला माहौल है अभी तुम विखा रहे हैं जनाब, सानू भी बड़ा मज़ा आ रहा है और जो तुम देखोगे तुम भी इंशाला इस तो बड़ा बड़ा अच्छा फील करोगे ये वीडियो देख के साड़ी साडा अज का विलॉग देख के। तो चलो दोस्तों हम अब अपने घर को वापस जा रहे हैं, तो चलिए अब्दुल कुद्दूस भाई वापस को चलते हैं अपने आशियाने की तरफ। जी 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 चलें भाई जरूर चलते हैं।